जी हाँ, आज हम सर रतन टाटा के बारे में बात करेंगे। उनका जन्म 1937 में हुआ था। वह एक भारत के महान बिजनेसमैन थे, और महान बिजनेसमैन ही नहीं, वो देश के लिए एक महान आत्मा जैसा थे, क्योंकि वो देश में हर गरीब से गरीब लोगों को हेल्प करते थे, मदद करते थे। वो अपना बिजनेस का अधिकतर भाग जो है वो डोनेट कर देते थे, ताकि देश जो है अच्छे से विकसित हो। रतन टाटा अगर माने तो वो विश्व का सबसे महान बिजनेसमैन थे। अगर वो चाहते कि पैसा कमाए तो यकीनन वो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे, और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन वो मार्ग नहीं चुने। वो देश को डोनेट किए, देश को आगे बढ़ाने का सोचे, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम किए, देश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा वो लगाए। अगर वो पैसा अपने ग्रोथ के लिए लगाते हैं तो यकीनन जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बहुत ही अमीर आदमी बन जाते, लेकिन वो जो है देश को तरक्की के लिए हर काम किए, डोनेट किए, तो उसे हम बोल सकते हैं रतन टाटा जो है देश के एक महान व्यक्ति है, महान आत्मा है। जिसका आत्मा महान हो उसे महात्मा बोला जाता है, तो रतन टाटा जो है एक महान आत्मा है, और वो जो है हमारे बीच अब नहीं रहे, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि रतन टाटा इतना कुछ किए हैं देश के लिए, क्योंकि रतन टाटा के पास बहुत सारे ऐसा बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है, 103 से भी ज्यादा, यानी 100 से भी ज्यादा उनके पास बिजनेस है, जिसे वो चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो देश के भलाई के लिए सोचे, देश को आगे किए, और वो जो है आज हम लोग के बीच नहीं रहे, तो उनको जो है हम लोग तहे दिल से जो है आत्मा का शांति मिले, ये हम लोग हमेशा चाहेंगे। वो हम लोग के लिए एक महान नायक, महान आत्मा रहे हैं। तो जय हिंद। अगर